So guys, we are back with another video. So in this video, we're going to talk about Domina 400. Here is Anupam Bhai, who having the Domina 400 2019 model, BS4 model. So let's start with the video. And today we are doing the ownership review. So asking few questions about what they have experience from last 2 years. So let's begin with the video. So guys, यहाँ पे हैं हमारे साथ अनुपम भाई. तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे. ownership review ये video है. तो वहाँ पे हम उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि बाइक के बारे में. डोमिना 400 ये 2 साल से चला रहे हैं और बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, और बाइक की स्पेसिफिकेशन पूछेंगे और बाइक इनको कैसी लगी और इन्होंने ही इसी बाइक को क्यों चुना अराउंड 2.5 लाख के आसपास. सो लेट्स वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो अनुपम भाई जी, हाय. हाँ. सो गाइस, हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे अनुपम भाई से, जिनके पास है डोमिना 400 और ये इनके दोस्त हैं शिवाशीष भाई. इनका यूट्यूब पे चैनल है मोटो फैम करके. तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके चैनल को. ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं अपने डोमिना 400 में और उनके साथ साथ शिवाशीष भाई भी रहते हैं, उनके पास है पल्सर 150. तो हम डोमिना 400 से मतलब इन ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और देखते हैं मतलब इन्होंने क्यों चुना डोमिना 400 को और भी बाइक्स मार्केट में अवेलेबल थी, तो यहाँ पे इन्होंने डोमिना 400 को ही क्यों चूज किया. तो पहला सवाल हम इनको पूछते हैं. तो सर, आपने डोमिना 400 ही क्यों चूज किया, क्या रीजन था? मेरे पास दो रीजन थे. पॉइंट नंबर 1, मैं टूरिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए था. एंड दूसरा, मेरे पास मैंने एक सोचा, आई जस्ट ट्राई टू बी अ बिट बजट फ्रेंडली, सो आई वेंट फॉर द डोमिना 400. डोमिना 400, ओके. तो इनका कहना ये है कि इनका टूरिंग का पर्पस था तो इन्होंने डोमिना 400 को चूज किया, क्योंकि अगर देखा जाए 2.5 लाख के आसपास, तो यहाँ पे अगर हम आपके एक बाइक के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आपका बजट है अराउंड 2.5 लाख और बाइक आपको चाहिए टूरिंग के लिए प्लस पावर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप डोमिना 400 को चूज कर सकते हैं. तो जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे वही मेन रीज़न इनका डोमिना 400 लेने का. और सर आप बताइए, आपको सर विंड ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, मींस आप हाई स्पीड पे जब बाइक को राइड करते हैं? नहीं, मेरे पहले मैंने खरीदने के शायद 1 महीने के अंदर मैंने कार्बन रेसिंग का वाइजर इंस्टॉल किया था जो कि काफी हद तक हाइट है, उसके बाद तो हेलमेट है, तो आई डोंट एक्सपीरियंस दैट मच. हाँ, पर अगर जब मैं कुछ कुछ राइड्स में मैं अपना वाइजर उतार के चलाया हूँ, हाँ थोड़ा बहुत रहता है, बट इट्स मैनेजेबल. इतना मतलब इतना हेवी हिट नहीं करता विंड. तो सर आपका ये कहना है कि मतलब विंड ब्लास्ट वो वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप जैसे देखेंगे 2.5 लाख के पास आसपास अगर दूसरी हम बाइक को देखें तो यहाँ पे हमें एरोडायनामिक देखने को मिल जाता है, जैसे अपाचे आरआर 310, ठीक है, थोड़ा सा आप बजट बढ़ाए होते प्लस आपको एरोडायनामिक देखने को मिल जाता, प्लस यहाँ पे लुक भी आपको डुकाटी पैनिकल का जैसे लुक हमें देखने को मिलता है, वो आपको लुक देखने को मिल जाता है. उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विंड ब्लास्ट जो है हाई स्पीड पे आपको विंड ब्लास्ट देखने को नहीं मिलता, मीन्स आपके हाथों पे और प्लस चेहरे पे जो हवा लगता है प्लस आपकी जो हाई एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस पे मीन्स थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है हाई एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस पे, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है. देखो भैया, दोनों बाइक्स का कैटेगरीज ही अलग है, ठीक है, क्योंकि अपना आरआर 310 वो स्पोर्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो स्पोर्ट कैटेगरी में बंदा हमेशा लीन होकर चलाता है, द हिप पोर्शन इज अ बिट हायर देन द हैंडल, ठीक है, तो आप पूरा एग्रेसिव पोजीशन पे चलाते हो, तो एग्रेसिव पोजीशन बाइक्स में आप टक इन करते हो ज्यादातर टैंक के ऊपर चलाते टाइम, ठीक है. अब आप अगर चाहोगे तो द राइडिंग पोजीशन इज एक्चुअली मेंट फॉर टकिंग टू एंड स्पीडिंग अप थ्रू द कॉर्नर्स. टूरिंग बाइक से क्या आपको सीधा बैठ के चलना पड़ता है, तो ऑब्वियस रीजन है कि डोमिनार हो या आप इवन केटीएम का भी देख लो, जो 390 एडीवी है वो भी है, अपना जो केटीएम 390 नॉर्मल है वो भी है, सेम चीज है, क्योंकि सीधा बैठ के तो चलना पड़ता है. हाँ, और सवाल रहा सवाल लुक्स का. हाँ, लुक्स आर अ बिट सब्जेक्टिव, बट मेरा खरीदने का पर्पस ही अलग था, मैंने टूरर ही देखा था, आई थॉट अबाउट केटीएम 390, बट आई स्विच टू डोमिनार कि नहीं चलो ठीक है, लेट्स हेड डाउन टू डोमिनार ओनली. तो सर यहाँ पे अगर टूरिंग की बात करें तो यहाँ पे टूरिंग के लिए और भी बाइक्स अवेलेबल थी मार्केट में, जैसे अगर देखें होंडा 300 करके एक आता है बाइक, हाईनेस करके वो बाइक थी ऑप्शन में आपके. हाँ. प्लस यहाँ पे देखें लॉन्च नहीं हुआ था भैया. मैं खरीदने के टाइम हाईनेस लॉन्च अच्छा, नहीं हुआ अच्छा, था. हाईनेस नहीं था तभी, और उस टाइम हिमालयन तो था. हिमालयन हिमालयन था, मैंने हिमालयन पे टेस्ट राइड भी किया है, बट मेरे को ना वो किक नहीं मिला, थोड़ा सा मैं कोई कम ब्रांड को नीचे नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को पर्सनली उतना किक नहीं मिला जितना किक मुझे डोमिनार से मिला. यू वांट मोर परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए? या काइंड ऑफ
या आई वांटेड अ टूरर विथ अ निगल ऑफ अ परफॉर्मेंस बूस्ट जैसा टाइप, तो डोमिनार एक्चुअली सूटेड मी द मोस्ट उस टाइम पे। हैव यू फील एनी वाइब्रेशन एट द स्पीड ऑफ 100 और 120? या इट डज बिकॉज इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन, तो एनी वे एनी डे इट विल वाइब्रेट, बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन होके मतलब रिस्ट पेन होता है वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। बट आई हैव फेल्ट अ निगल एंड मैं थोड़ा ज्यादा भी फील करता हूँ बिकॉज मैंने आफ्टर मार्केट वाइजर इंस्टॉल किया है ना, तो जिसके चलते मुझे थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन होता है, बट दैट इज वेरी माइन्यूट, यू कैन इग्नोर इजिली। ओके मींस अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं इस बाइक पे तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है ऑफ रोडिंग पे डोमिना 400 में? नहीं, ऑफ रोडिंग पे प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे। ऑफ कैमरा मैंने बहुत इसको टेस्ट किया है गाड़ी को, ऑन कैमरा मैंने इतना नहीं किया है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज रहता है कि जो स्टॉक टायर जो रहता है हमारे का, उसका थोड़ा ग्रिप पकड़ना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इफ आई राइड इन स्लश, थोड़ा सा स्लश है या थोड़ा सा यू नो गीली मिट्टी या जो लाइट सैंड होता है बालू, उसमें ना थोड़ा सा तो टायर स्पिन होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, बस वेरी माइन्यूट, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता, अच्छा बट बाकी सब मक्खन। तो यहाँ पे अगर बोला जाए, अगर कोई भी यूज़र है जिसको मतलब डेली कम्यूटिंग के यूज़ करना है और साथ साथ उसको हाईवे राइडिंग करना है और उसे साथ साथ मतलब उसको ऑफ रोडिंग करना है, तो ये बाइक चूज कर सकता है वो? आपका क्या कहना है अनुपम भाई? हाँ बोलो बोलो क्या हो गया? हाँ भाई, आप अटक गए। हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू भाई। हाँ तो ये पूछ रहा था मैं आपसे कि जैसे कि आपने डोमिनर 400, मतलब कोई यूज़र को अगर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डोमिनर 400 लेना चाहिए, मतलब किसी यूज़र को जो ऑफ रोडिंग करता है, डेली कम्यूटिंग करता है, प्लस हाईवे पे चलाता है, ले लेना चाहिए उसे। हाँ भाई, ठीक है। देखो डेली कम्युनिटी ये सब बाइक्स, देखो बजट पे सब जाता है, ठीक है। मेरे को मेरी गाड़ी 28 माइलेज देती है, ठीक है, फिर भी मैं उसे डेली चलाता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस है, मतलब ऐसा नहीं है मैं एक गाड़ी, मेरे पास और एक गाड़ी भी है, बट मैं आई हैव टेकन डोमिनर फॉर दैट पर्पस एंड मेरे को पता है मैं अफोर्ड कर पाऊंगा वो चीज, यू नो दैट फ्यूल एक्सपेंस। इंडिया का सबसे बड़ा चीज अभी क्या है, सिंगल हाँ सिलेंडर बाइक्स बहुत लोगों के पास मतलब नहीं होता ना, जो पैसा यू नो दैट थिंग किक्स इन एक टाइम के बाद, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। हाँ, यू कैन डू अ डेली कम्यूट ऑन अ डोमिनर एज वेल एज यू कैन डू हाईवे रन्स। हाईवे में यू कैन गो अप टू 150 160 इजीली, यू कैन गो। एंड सिटी राइडिंग के लिए भी हाँ ठीक है, बट वेट इज अ बिट ऑफ एन इश्यू, जो कि यू विल फील, आप थोड़ा हेवी फील करोगे ही करोगे। तो मोस्ट ऑफ द यूजर ये बोलना चाहते हैं, मतलब डोमिना 400 के बहुत सारे लोगों से मेरा बात हुआ है, तो मैं आपका ओपिनियन लेता हूँ यहाँ पे। वो बोलते हैं कि सिटी के लिए ये गाड़ी सही नहीं है, मतलब ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे टर्न वगैरह करने में। हाँ, डोमिनार का टर्निंग रेडियस थोड़ा ज्यादा है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता वो, थोड़ा मे बी हाइप प्रभु के बोल रहे हैं। मैं पिछले 1.5-2 साल से चला रहा हूँ, मेरा ग्रुप भी है, उन लोगों का भी है, बट हमारे ग्रुप में नोबडी हैज एवर फेस्ड, और हमारा ट्रैफिक बड़ा स्लशी ट्रैफिक है हमारे यहाँ पे, लोग पूरा ऐसे जिसको बोलते हैं ना सांप की तरह काटते रहते हैं, हाँ हाँ बट वी वैसे हैव काट मैनेज्ड सकते हैं आप, इतना मतलब एक्चुअली। इजीली कोई काट सकते हैं ना? हाँ वही चीज है, बट एक चीज, हाँ एक चीज मैं भी मानूंगा कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जब आप टर्न करते हो ना उसका टर्निंग रेडियस थोड़ा ज्यादा रहता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बस उसके अलावा इतना नहीं। पर अगर आप गाड़ी बैक कर रहे हो एक जगह पे आप रखे हो, एक लो स्लोप में रखे हो, मतलब फ्रंट व्हील नीचे बैक व्हील थोड़ा ऊपर है, तो उसको पैर से पीछे करके उठाना वो दैट इज अ स्लाइट ऑफ अ प्रॉब्लम। मैं फेस किया हूँ एंड मेरे दोस्त भी, वो लोग भी हैं, वो भी फेस किए सेम इशू। तो सर एक बात बताइए मुझे, अराउंड देखें 400 cc कैटेगरी में अगर हम बात करें निंजा 300 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल सिलेंडर जो बोल रहे हैं वाइब्रेशन जो, जैसे कि आपने प्रॉब्लम बताया मुझे हाईएर टॉप स्पीड पे मतलब थोड़ा वाइब्रेशन होता है, तो निंजा 300 देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथर है और काफ़ी ज़्यादा मीन्स पावरफुल है, जिसका टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स 190 के आसपास चला जाता है, तो आपने उस बाइक को क्यों नहीं चूज़ किया? निंजा इज अ नाइस बाइक, आई एम नॉट सेइंग निंजा, निंजा बहुत अच्छा है, बट भाई मेरा सेगमेंट ऑफ राइडिंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आई आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर R3। जब मैंने पहले, मेरे पास था 180 ABS था अपाचे का, उसके पहले 2017 में ABS डुअल चैनल ABS वाला जो आता था, पॉल व्हाइट कलर शायद, तो उसके बाद मैंने देखा आई रियली वांटेड R3 बैडली, मेरे को R3 चाहिए था, बट सिंस 2019 में यामाहा ने लॉन्च नहीं किया, सो आई हैड टू गो फॉर डोमिनर। एक चीज उस टाइम पे मेरा दोस्तों से बात हुआ एंड सम ऑफ माय एडवाइजर्स, वो लोग बोले कि तुम लोगों का मेन पर्पस क्या है, इफ यू रियली वांट टू टूर देन एक टूरर ही ले लो,
और फ्यूचर में भी मेरा प्लान है कि 1-2 साल के अंदर मैं आई विल बी अपग्रेडिंग टू अ बिगर इंजन, यू नो, अ बिगर इंजन, ये 3 या 4 सिलेंडर हो ना, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं क्यों पैसा फंसाऊँ इतना, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पे थोड़ा इकोनॉमिकल रह जाते हैं, ये फेज ऑफ टाइम में थोड़ा पैसा बच जाएगा भी, एंड यू नो दैट सिंगल सिलेंडर 40 PS राइडिंग चार्म वो चीज भी मेंटेन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई कैन गो फॉर अ बिगर इंजन। तो तुम्हें से काइंड ऑफ आपको एन क्रूजर इकोनॉमिकल टाइप का डिसीजन। बाइक चाहिए था, नहीं, क्रूजर नहीं चाहिए, आई स्पोर्ट वांटेड व्हीकल अ चाहिए स्पोर्ट था। बिगिनिंग में, बट मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि यू गो फॉर अ टूरर नाउ, अभी ये इंटरिम फेज में टूरर पे काम चला ले, उसके बाद जब तू अपग्रेड करेगा फॉर टू टूवर्ड्स अ बिगर इंजन, उस टाइम पे यू कैन गो फॉर अ सुपर स्पोर्ट है कुछ भी। इसलिए ये इंटरिम फेज पे मैंने थोड़ा सा यू नो बजट फ्रेंडली गाड़ी देखा। निंजा 300 अगर मैं ले लेता तो उसका सर्विस कॉस्ट मेरे को समझ अराउंड 7,000 पड़ता एवरी सर्विस। डोमिनार का देखो तो जस्ट द इंजन ऑयल का ही पैसा लगता है अगर आप शोरूम से कराओ तो। मैं तो पर्सनल ऑयल चेंज करता हूँ लिक्वि मोली का, मेरे को 3,500 समथिंग पड़ता है ऑयल चेंज का, एंड सर्विस चार्जेस वेरी नेग्लिजिबल है, पार्ट्स भी बहुत सस्ता है, तो सर बजट मतलब फ्रेंडली, यू नो, पॉकेट आपको फ्रेंडली। पेड सर्विस कितने तक हो जाता है आपका? मेरा अभी तक भैया पेड़ नहीं लगा है, क्योंकि मैं जब गाड़ी लिया था मेरे को उस टाइम पे ऑफर था कि 2 साल का फ्री सर्विस पीरियड था, एंड 5th सर्विस मैं हफ्ते भर पहले किया हूँ, तो अभी तक मेरा पेड़ लगा नहीं है, सो उतना आइडिया नहीं देगा जितना मुझे पता है। बजाज का सर्विस सस्ता है। बजाज का सर्विस सस्ता है, मैं सर्विस के लिए मालूम है बजाज वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाती है, बस थोड़ा सा उसको इंजन स्मूथनेस पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का सर एक प्रॉब्लम आया है डोमिनार का, जो जैसे कि बताया था इंजन ब्लास्ट हो गया, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आपके बाइक में? ना, इंजन ब्लास्ट नहीं भाई, भाई सिंपल बात है, आपको 200 रुपए में कोई गुशी के कपड़ा नहीं देगा, 200 रुपए में आपको रामनाथ बाबा का ही कपड़ा मिलता है। डोमिनार के प्राइस के हिसाब से उसका यू नो रिफाइनमेंट इज ओके, ठीक है, बिकॉज देखो भाई मैं चलाया हूँ, मैं 300 भी चलाया हूँ, मैं दूसरे भी बाइक चलाया हूँ, बिकॉज जितना आपका ना यू नो द प्राइस सेगमेंट गोज अप, दूसरे निंजा का देख लो, द स्मूथनेस ऑफ द इंजन इज टू द पीक निंजा 300 का, बट वो चीज डोमिनार से बैक करता है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी देख लो, डोमिनार 400 के साथ एक NS 160 जोड़ दोगे तो निंजा 300 आता है लॉजिकली, तो बराबर। देर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ निकल, क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग की है गाड़ी बनाने में, तो जस्ट बिकॉज कंपनी ने गाड़ी को सस्ता बनाया तो देर हैज टू बी सम इश्यूज, होगा ही होगा। तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कहना चाहते हैं बाइक के बारे में? डिसएडवांटेज इज द व्हीकल हीट्स अप, गाड़ी गर्म होता है। आई डोंट नो दूसरों का क्या ओपिनियन रहेगा, क्या बाइट रहेगा इस चीज पे, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड हीटिंग व्हाइल डूइंग इन द सिटी विथ यूजिंग लिक्वि मोली एंड MOS2 जो अपना मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड शूटर होता है उसको साथ यूज करके भी आई हैव एक्सपीरियंस हीटिंग, एंड एडवांटेज इज दैट मेरा 19 से 21 के बीच ना आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बाई ओनिंग दिस बाइक। मेरा एक बार मेरा ये हुआ था, टाइमिंग चेन में थोड़ा इशू था, वो चेंज हुआ था, कैमशाफ्ट चेंज हुआ एक बार, थोड़ा बहुत छोटे मोटे निकल्स भी हुए हैं गाड़ी में, बट उतना मोटा अमाउंट का खर्चा मेरा अभी तक कटा नहीं है, मैंने जो भी किया है शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट में मेरा काम हो गया। 0 to 100 जाने में कितने टाइम लगती है बाइक को? पता नहीं भाई, मापा नहीं हूँ, 170 गया हूँ लेकिन, पर मापा नहीं हूँ आज मापा तक, नहीं हो? जाता होगा वही, नहीं मापा नहीं है मैंने, पर आई हैव गॉन अप टू 174। 174 मीन्स 174 इज द टॉप स्पीड। ओके आई डोंट नो, मे बी देर आर सम अदर राइडर्स हू क्लेम दैट द गाड़ी बाइक गोज अप टू 181, देर आर ऑल्सो सम राइडर्स हू क्लेम कि 160 के ऊपर नहीं जाता, 157 ऊपर के नहीं जाता, मिक्सड ओपिनियंस, मिक्सड राइडर, मिक्सड वेट, तो पावर टू वेट रेशियो बदल जाता है, तो तो ऐसा आपको कब डिपेंड्स लगा कि मतलब जब आप बाइक चला रहे हो, समझो हाईवे पे हो आप, ठीक है, और मतलब आपको कॉर्निंग में कोई दिक्कत हुई, मतलब वेट ज्यादा है जैसे बाइक का अगर देखा जाए तो? नहीं हाईवे पे नहीं, हम लोग घाट में मैं लीन किया हूँ और गाड़ी अच्छा लीन हुआ है, मुझे इश्यू नहीं हुआ। गाड़ी लीनिंग के लिए यू नो सबसे मेजर लगता है टायर लगता है, मतलब मेरे साथ मेरे आगे एक डोमिनार चल रहा था जिसका अपोलो का शायद लगा था, अपोलो या पिरेली का टायर लगा था शायद उसका, एंड मेरा स्टॉक लगा था क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरा गाड़ी 5,000 किलोमीटर के था, तो देर वॉज नो पॉइंट चेंजिंग टू अदर टायर, तो लीन करने के टाइम ही वॉज लीनिंग ए बिट मोर, मैं थोड़ा कम कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट व्हीकल सपोर्ट द लीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, अगर गाड़ी गाड़ी आप लीन कर पा रहे हो तो गाड़ी लीन होता है, आराम से होता है विदाउट एनी इश्यू। तो ये रीजन है आपका डोमिना 400 लेने का। या आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी भाई, मैं बहुत 2 साल में मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे बहुत पैसे बचा दिए, और मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, कुछ हैसल फ्री रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, एंड आई हैव डन वेल।
शिवाशीष भाई आप क्या कहना चाहते हो डोमिना 400 के बारे में? डोमिनार 400 बेस्ट ब्रेक है भाई, मेरे मेरा ओपिनियन तो है वो अच्छा है, बहुत थोड़ा खुश होके बता स्प्रिंग दो के लिए भाई, अच्छा है। अरे खुशी खुशी बता दो, एक्चुअल फीलिंग नहीं दिख रही तुम्हारी, एक्चुअली फीलिंग फीलिंग नहीं दिख दिखाओ रही है क्या तुम्हारी फीलिंग पूरी फीलिंग दिखा दो, एक्चुअल जो फीलिंग से बात करते हो वो फीलिंग से बात करोगे तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों नहीं बात करेंगे भाई। तुम्हारे व्यूअर्स के लिए मेरा एक सजेशन है, बोलिए बोलिए। हेलो 49.8K सब्सक्राइबर, देखो सपोर्ट करो उसको, गलत काम नहीं कर रहा है ठीक है। क्रिंज कंटेंट बहुत लोग बनाते हैं, इससे भी खराब कंटेंट लोग बनाते होंगे, सपोर्ट करो ठीक है, गाली गलौज मत करो। क्योंकि बंदा देखो बहुत क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग ना आते हैं मुंह उठा के अंडरस्टैंड बोल के चले भी जाते हैं, उन लोग केयर नहीं करते सब्सक्राइबर के लिए। एक बंदा है देखो ये तुमसे माफी भी मांगता है हर 2-3 दिन में एक बार, वो सॉरी भी बोलता है प्लीज ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट भी कर रहा है ना, तो थोड़ा बंदे के लिए इज्जत भी बनता है। वही ना देखो भाई, मैं फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ इनको कि अच्छे से मतलब बात करो, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप जो बोलेंगे उस बाइक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फिर भी भाई आ गया तू, आ गया ऐसा तेरा वीडियो है वैसा तेरा वीडियो है। भाई गोप्रो नहीं है मेरे पास, मानता हूँ उसके वजह से मेन मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके वजह से वीडियो मतलब इतनी अच्छी नहीं बन पाती, कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है जो मतलब बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे जैसे देखा जाए हाँ तो ये DSLR नहीं है मेरे पास, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा अगर फोन से करते हो, कौन से फोन से करते हो शूट करते हो? अभी तो मैं ओप्पो रेनो 2 से करता हूँ, ओप्पो रेनो 2F। अच्छा स्टेबलाइजेशन थोड़ा इशू है। मैं तो ज्यादातर गोप्रो एंड सैमसंग S20 S20 और ये दोनों से मेरा होता है। आई एम गोइंग फॉर अ थर्ड कैमरा, मैं भी 1 महीने के अंदर ले रहा हूँ एक और कैमरा ले रहा हूँ जो 360 डिग्री उठाता है, उसी का सोच रहा हूँ। पर लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये चीज है भाइयों, गाली गलौज मत करो, बंदा अच्छा है नहीं के शांत है ठीक है। तुम दूसरे चैनल्स पे देखो, यू नो क्रिंज कंटेंट होता है ठीक है, अगर कोई अगर ये इंसान गलती से क्रिंज बना भी देता है ना तो ठीक है, तुम लोग सजेस्ट कर लो कि भाई क्रिंज मत बना, ये मत बना, वो मत बना, सजेस्ट कर लो, गाली गलौज करना अच्छा नहीं मत होता। बताओ। तो हर एक वीडियो में यू नो कोई कुछ अनशन बोल रहा है, मत बोलो, एंड इसको इतना प्रमोट भी मत करो। देखो जो बंदा R15 चलाते हैं उसको तुम R1 का वीडियो कैसे मांगते हो, वो बंदा लाएगा कहाँ से? लाएगा तो एक शॉर्ट वीडियो लाएगा जो वही तो कि दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू लेगा, हाँ, वो खुद नहीं चला पाएगा। अभी मेरे को तुम बोलोगे H2R का वीडियो बनाओ, भाई मैं कहाँ से लाऊंगा H2R? वही तो तुम अगर मुझे Ninja 300 मांगोगे तो मैं Ninja 300 दे पाऊंगा तुमको, बट H2R तो मैं दे नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि वो बाइक मेरे बजट के बाहर है। और जो गाड़ी खुद का नहीं है उसके गाड़ी पे बैठ के उसकी गाड़ी को चला के, अगर मान लो ये बंदा टेनर का एक वीडियो दे रहा है कंपनी के साथ डील करके, ये तो R15 चलाता है, अगर टेनर चला है, अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया या कुछ हो गया, बंदा गिर गया गाड़ी के साथ, तो इसका कितना नुकसान होगा? पुश वही मत तो मेन करो, प्रॉब्लम है। जैसा बनाता है देखो सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करो, अच्छा बंदा है, क्यूट बंदा है यार, रिश्ता भेजो क्या ऐसे सब लोगों सो यहाँ पे अगर हम बात करें शिवाशीष जी से। की, तो यहाँ भी ये भी डोमिनर 400 ही लेने वाले हैं क्योंकि इनका भी बहुत फेवरेट बाइक हो गया है। तो सर क्या रीजन है आपका डोमिनर 400 लेने का? मेरा तो प्रपोज टूरिंग के लिए है, टूरिंग टूरिंग के लिए? मारेगा मेरा बेटा, मेरा तो टूरिंग के लिए है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ दूसरा लूँ, अभी तो टूरिंग के लिए हो। कैसा मजा आता है, मतलब भगाने में मजा वजा आता है कि नहीं डोमिनर? मजा तो आता है बहुत मजा, कितना मैं खींचा है, खींचा हूँ भाई, मैं खींचा हूँ, कितना ये खींचा है है? वो 138, आई थिंक 138 खींचा है, ये वही वन तो फोर्टी एट तक गया है। 148 तक। चलो अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बोलता हूँ, बोलो बोलो। सुनो भाइयों और उनकी बहनों जो भी हो सब, मेरा रिक्वेस्ट है, शिवाशीष का रिक्वेस्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ सौरभ, देखो उसको, सपोर्ट करो सपोर्ट उसको, करो उसको, नेगेटिव मत बोलो, बुरा लगता है वीडियो डिसलाइक मार दो चलता है, पर एटलीस्ट गलत कमेंट मत करो प्लीज, क्योंकि बंदा डिमोटिवेट होता है, किसी को डिमोटिवेट करके क्या मिलेगा? अगर सजेस्ट कर सकते हो, अगर वो ये बंदा लाएगा ऑब्वियसली लाएगा, क्योंकि ये बंदा कर रहा है, तो वो अपना एफर्ट दिखा रहा है, वो अपना डेडिकेशन दिखा रहा है, वो कर रहा है, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो उसको। उठाओ उसको 100K तक पहुंचाओ, कैरी मिनाटी के साथ इसका कोलैबोरेशन कराओ, कराओ ना यार, अच्छा तो बंदा है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कराओ, इसको अच्छे से करो, एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, इसके वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, अगर कुछ डाउट्स है, पर्सनल क्वेश्चंस है, इसके कमेंट बॉक्स पे भी लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ये भी रिप्लाई कर देगा बोथ वेज में,
और ये भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया, अगर वहां पे भी कुछ आना है मोटोफोन में आके अगर कुछ पूछना है हमसे यू कैन फील फ्री। सौरभ का इंस्टाग्राम भी है, यू कैन टॉक टॉक टू हिम देयर। प्लीज हेटरेडनेस मत फैलाओ, जस्ट गिव इट अ गुड वाइब, ये भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, सब खुश रहेंगे। और अभी गाइस अगर सौरभ कंक्लूड आप करेगा वीडियो। और गाइस अगर आप डोमिनार या फिर कोई भी अगर आप टूरिंग वगैरह करते हैं तो ये बाइक आप चूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। और आप इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोटो फैम नाम है इनका चैनल का। और यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर तो थोड़े कम है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से इनका 1K हो जाएगा। उसके बाद से अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं भाई, बहुत खर्चा करते हैं, गोप्रो ले लिया है, DSLR ले लिया, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। सो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।